नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी नर्सिंग बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के एक टॉपिक के बारे में। वो आपका टॉपिक है आईसीएम कोड ऑफ एथिक्स इन नर्सिंग के बारे में। मैं चंद्र प्रकाश बिश्नोई आप सबका नर्सिंग इंटर्नशाला यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूँ। चलिए दोस्तों वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईसीएम कोड ऑफ एथिक्स इन नर्सिंग के बारे में। तो दोस्तों अब अपन बात करते हैं, पहली बार इनको अडोप्ट कब किया गया था। तो पहली बार जो आपके आईसीएम कोड ऑफ एथिक्स है वो दोस्तों 1957 के अंदर 53 के अंदर अडोप्ट किए गए थे। कहाँ पे किए गए थे ये आपके दोस्तों? ब्राज़ील के अंदर अडोप्ट किए गए थे। किसके द्वारा? ब्राज़ील के अंदर किसके द्वारा किए गए थे? ग्रैंड काउंसिल ऑफ नर्सिंग के द्वारा इनको अडोप्ट किया गया था। उसके बाद में इन 1965 इनका मतलब रिवीजन किया गया एक बार फिर। और इनका ये रिवाइज कहाँ पे किए गए ये दोस्तों? उस टाइम इनका रिवीजन था वो जर्मनी में किया गया। किसके द्वारा किया गया? आईसीएम इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग के द्वारा। और इनको उस टाइम क्या नाम दिया गया था? इनको दिया गया था इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज कोड ऑफ एथिक्स। उस टाइम इनको ये नाम दिया गया था इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज कोड ऑफ एथिक्स। फिर इनका दोस्तों आगे और रिवीजन हुआ। कब हुआ? 1973 के अंदर। और ये रिवीजन है वो आपका कहाँ पे हुआ? ये आपका मेक्सिको सिटी के अंदर किया गया। इनका रिवीजन कहाँ पे किया गया? मेक्सिको सिटी के अंदर। तब इनको क्या नाम दिया गया? इन्हें नाम दिया गया कोड ऑफ एथिक्स। फिर दोस्तों इनका अगेन एक बार और रिवीजन हुआ 2012 के अंदर। इनको रिवाइज किया गया। इस टाइम ये दोस्तों जो कोड ऑफ एथिक्स थे वो 6 थे और रिवाइज करके इनको कितने यहाँ से घटाकर इनको 4 कर दिया गया। और उसके बाद में साथ ही साथ में यहाँ पे फोर फोल्ड ऑफ नर्सिंग यहाँ पे ऐड किए गए। मैं ऐसा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको यहाँ तक पसंद आया होगा। वीडियो यहाँ तक आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और नर्सिंग से रिलेटेड ऐसे और वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि भविष्य में हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अब अपन बात करते हैं दोस्तों ये आपके फोर फोल्ड थे वो क्या थे। ये फोल्ड थे दोस्तों आपका पहला था प्रिवेंशन ऑफ इलनेस और एलिवेशन फ्रॉम सफरिंग। और एक आपका था दोस्तों रीस्टोर ऑफ द हेल्थ। यहाँ पे दोस्तों अपन इन चारों की डिटेल के अंदर बात नहीं करेंगे। इसके बारे में एक मैंने वीडियो पहले बना रखा है एलिमेंट ऑफ द नर्सिंग या कोर वैल्यूज ऑफ नर्सिंग, वो आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसको वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो ये वीडियो पूरा देखने के बाद। अब अपन बात करते हैं दोस्तों ये आई जो आपके कोड है इनके टाइप कितने हैं। इनके दोस्तों दो टाइप है। एक तो है दोस्तों अकॉर्डिंग टू द आईसीएन मतलब इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जो नर्सेज है उसके अकॉर्डिंग। और दूसरा जो आपका टाइप है दोस्तों वो एज पर INC है इंटरनेशनल नर्सिंग काउंसिल इंडियन नर्सिंग काउंसिल के द्वारा, मतलब ये है आपकी इंडियन नर्सिंग नर्सेज या नर्सिंग काउंसिल के द्वारा दिए गए थे। ये भी दोस्तों आपकी संख्या में 7 है। तो आगे के जो वीडियो होंगे दोस्तों हम इसके अंदर जो आपके जो 6 दिए गए थे वैसे तो रिवाइज करके इनको 4 कर दिया गया पर हम जो 6 के 6 हैं वह पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से याद रहे। तो आगे की वीडियो में हम
इस जो अगला वीडियो पार्ट आएगा उसके अंदर अपन बात करेंगे इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज के अकॉर्डिंग जितने भी आपके कोड ऑफ दिए गए थे उसके बारे में हम बात करेंगे। मैं आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और नर्सिंग से रिलेटेड ऐसे और वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि भविष्य में हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और आपके किसी दोस्त को जुटता है तो आप उनके साथ शेयर भी कर सकते हो और नीचे कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा और आपको आगे कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।